हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेपर्स एडुकेशन। एंड मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका गुरु सीए मोहित तापड़िया। और हमने चालू किया था पार्टनरशिप पूरा का पूरा पढ़ना, राइट? हमने पार्टनरशिप के कुछ वीडियोस पहले देखे थे, ये उसका एक कंटिन्यूड पार्ट रहेगा। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम रहने वाला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कॉमन सेंस की बात होती है कि जब भी पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ करता है, उसे उस पर्टिकुलर पैसों पे इंटरेस्ट भरना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, राइट? अब वो इंटरेस्ट कितना होगा, कितने ड्यूरेशन का होगा, उस पर डिपेंड करता है। आपने ड्रॉइंग्स कब कब ली है, कितने टाइम के लिए ली है, उस पर डिपेंड करेगा। सो आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, दैट वुड बी ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है? चलिए, मैं चाहूंगा आप लोग अपनी स्क्रीन पे ध्यान देते रहे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जस्ट फोकस करते रहे, वीडियो को एंड तक देखे, बीच में ना छोड़े, राइट? एनफ, कंटिन्यू करते हैं। सो आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। भैया, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता क्या है वो मैंने आपको बताया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के अलग अलग तरीके क्या होते हैं वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बेसिक्स दो मेथड होते हैं। पहला होता है जब आपकी ड्रॉइंग्स रैंडम हो। रैंडम हो मतलब आप कभी भी विड्रॉ कर लेते हैं, जब मन हुआ, जिस तारीख को मन हुआ आपने ड्रॉइंग्स कर ली, तो उसे कहा जाता है जब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रैंडम हो। अमाउंट भी रैंडम है, तारीख भी रैंडम है, जब मन हुआ पैसे लेके घर चले गए, दैट इज बेसिकली रैंडम। अगर बाई चांस आपकी दोनों चीजें फिक्स्ड हो, मतलब आप एक फिक्स्ड अमाउंट उठा रहे हैं और एक फिक्स टाइम पे, एक फिक्स ड्यूरेशन पे उठा रहे हैं, तो वो आ जाता है अंडर फिक्स मेथड, राइट? इफ द अमाउंट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड द ड्यूरेशन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो वो आ जाता है अंडर फिक्स मेथड। चलिए स्टार्ट करेंगे एक एक से। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंडम मेथड की। रैंडम मेथड के अंदर क्या होगा, रैंडम टाइप के ड्रॉइंग्स के लिए क्या होगा, दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है सिंपल मेथड और दूसरा हो जाता है प्रोडक्ट मेथड। द फर्स्ट वन इज सिंपल मेथड एंड द सेकेंड वन इज प्रोडक्ट मेथड। मैं आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं, ध्यान देते रहो। चलिए, रैंडम में सबसे पहला है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या कहता है, सिंपल मेथड कहता है आपने ड्रॉइंग्स किया है अलग अलग तारीख पे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपने सबसे पहले विड्रॉ किया है 1/5/2018 को 2000 रुपए, देन 1/8/2018 को 5000, मतलब अमाउंट भी फिक्स नहीं है। देन 30/9, अगेन टाइम भी फिक्स नहीं है, ना अमाउंट कांस्टेंट है ना टाइम कांस्टेंट है। तो भैया सबसे सिंपल मेथड होता है सिंपल, राइट? बट ये बहुत लेंथी मेथड है। चलिए, इस मेथड में करना क्या है, इसमें ऐसे करेंगे हम, अमाउंट कितना था 2000, सपोज करते इंटरेस्ट रेट 15% है, सो 15% कितने महीने के लगाना है, आपने फर्स्ट मई को किया है, फर्स्ट मई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बचेंगे गिन लेना, 11 मंथ्स बचेंगे, राइट? सो हम कर देंगे इंटू 11/12, तो आपका आंसर आने वाला है 275, राइट? बट ये बहुत टीडियस मेथड है, हर बार पूरा फॉर्मूला लगाओ। अगेन नेक्स्ट टाइम आपने विड्रॉ किया 5000, 15% आपका इंटरेस्ट है, 8 मंथ का ड्रॉइंग लगेगा, आंसर आ जाएगा 500। उसके बाद में वापस से आपने विड्रॉ किया 2000, अगेन 15% का इंटरेस्ट है, 6 मंथ्स की ड्रॉइंग है, तो आपका आंसर आ जाएगा 150 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, और लास्ट एंड फाइनल आपका आंसर आने वाला है 1075। बट जैसे कि मैंने कहा था, ये बहुत ही टीडियस मेथड है, यहाँ पे मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए ये मेथड मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। बहुत ही फालतू मेथड है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो सर, आपके हिसाब से कौन सा करना चाहिए, जब टाइम भी फिक्स नहीं हो और अमाउंट भी फिक्स नहीं हो? सर, मेरे हिसाब से करना चाहिए प्रोडक्ट मेथड, ये मेथड करना चाहिए। आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेथड थोड़ा क्विक है, थोड़ा फास्ट है, जल्दी हो जाता है। कैसे देखते हैं, ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, हमने 2000 विड्रॉ किए 11 महीने के लिए, मतलब हम कर देंगे 2000 इंटू 11 कितना आ जाएगा 22000, वैसे ही 5000 इंटू 8 कितना आ जाएगा 40000, इन द सेम वे 2000 इंटू 6 कितना आ जाएगा 12000। इन शॉर्ट अपने को निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, राइट? वो करने से हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट, हम करने वाले प्रोडक्ट का टोटल। अब क्या होगा, अब मजे की बात सुनना, एक ही बार फॉर्मूला लगाना है। आप करोगे 86000 इंटू 15% इंटरेस्ट था और इंटू एक महीना, ओनली 1 मंथ, आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर एग्जैक्टली 1075 आएगा, जो ऊपर भी सेम था। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्यों एक महीना लिया हमने? सिंपल सी बात है बेटा, हमने पूरे के पूरे ड्रॉइंग्स को मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2000 रुपए विड्रॉ करो 11 महीने के लिए या 22000 विड्रॉ करो एक महीने के लिए, इंटरेस्ट सेम होता है। तो मैंने इन सब अमाउंट को 1 मंथ पे कन्वर्ट कर दिया, इसलिए मैंने डायरेक्टली टोटल अमाउंट पे एक महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया एंड मेरा अमाउंट सेम रहेगा, आंसर सेम रहेगा। दिस इज अ गुड मेथड व्हेन टाइम इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड एंड अमाउंट इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, दिस इज अ गुड मेथड। आ रही है बात समझ में?
ये हो गया जब रैंडम ड्रॉइंग्स हो रही है, बट अगर ड्रॉइंग्स फिक्स्ड है, अगर ड्रॉइंग्स फिक्स्ड है तो बड़ा ही सिंपल सा मेथड रहेगा। अगर फिक्स ड्यूरेशन रहेगा तो आपके पास दो मेथड है। पहला होता है एवरेज पीरियड मेथड। ये मेथड नॉर्मली सीबीएसई वाले बच्चे फॉलो करते हैं। इस मेथड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय टू। ये मेथड कब यूज करने का, जब आपकी ड्रॉइंग्स की अमाउंट भी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, और आपका टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स्ड है कि हर तीन तीन महीने में आप विड्रॉ कर रहे हो, या हर महीने महीने विड्रॉ कर रहे हो, या हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हो, या हर महीने की एंड में विड्रॉ कर रहे हो। व्हेन द टाइम ड्यूरेशन एज वेल एज द अमाउंट इज फिक्स्ड, तो ही आपको ये मेथड को यूज करना रहेगा। एग्जाम्पल, चलिए मैं हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, मतलब 12 महीने बचेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 12। लास्ट ड्रॉइंग्स मैंने क्योंकि 1 मार्च को, मतलब एक महीना बचा होगा, डिवाइडेड बाय टू, मतलब 13/2, आपको 6.5 मंथ्स पे ड्रॉइंग्स लगाना है, मतलब आपको टोटली इंटरेस्ट लगेगा 6.5 महीने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने विड्रॉ किया 4,000 रुपीज अ मंथ, पूरे साल का हो जाता है 48,000, तो इस 48,000 पे आप इंटरेस्ट लगाओगे। 48,000 इंटू सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, 6.5 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट लगाना रहेगा। राइट इनफ। सो यहाँ पे हमने क्या किया, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय टू हमें करना रहेगा, और जो भी हमारा एवरेज आएगा उतने महीने का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रहेगा। दिस इज नोन एज एवरेज पीरियड मेथड। इसे क्या कहा जाएगा, एवरेज पीरियड मेथड। दूसरा मेथड है जो नॉर्मली गुजरात बोर्ड वाले बच्चे करते हैं, सीबीएसई में ये मेथड का डेरिवेशन नहीं दिया होता है, और ऑनेस्टली ये वाला जो मेथड होता है वो डिटेल्ड मेथड है, डेरिवेशन मेथड है, कि इसमें आपको लॉजिकली दिखेगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करते हैं हम विड्रॉ कर रहे हैं पर मंथ, ओके। पर मंथ में या तो मिडल ऑफ द मंथ होगा, या बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा, या एंड ऑफ द मंथ होगा, राइट? आइदर मिडल ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। मंथ स्टार्ट होते हैं सपोज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो 1 अप्रैल को विड्रॉ करेंगे तो 12 महीने का इंटरेस्ट, बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहा हूं मैं, 11, 10, 9, 8 एंड सो ऑन, लास्ट आने वाला है 1। आप अगर इसका टोटल करोगे आपका आंसर आएगा 78। वैसे अगर एंड ऑफ द मंथ होगा, मतलब आपने एंड में विड्रॉ किया, 30 अप्रैल को विड्रॉ किया, तो इंटरेस्ट लगने वाले 11 मंथ्स का, क्योंकि 11 ही महीने बाकी है। देन 10, देन 9, देन 8 एंड सो ऑन करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 66 मंथ्स। कितना आने वाला है, 66 मंथ्स, राइट? सो अब अगर आपको दे रखा है एंड में होगा विड्रॉइंग्स, मतलब आपको 66 मंथ्स की ड्रॉइंग्स लगाना है, बिगनिंग होगा तो 78 की लगाना है, मिडिल का भी आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 72। मतलब आप किस तरह से करोगे, अगर आपने 4000 विड्रॉ किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, और आपने विड्रॉ किया बिगनिंग ऑफ द मंथ, तो आप 78 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाओगे। वही अगर आपने 4000 विड्रॉ किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, और आपने एंड में विड्रॉ किया है, मतलब आप 66 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाने वाले हो, और वही अगर मिडल होगा तो आपको सेम अमाउंट के ऊपर 15% की इंटरेस्ट रेट पे आपको 72 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना रहेगा। इन शॉर्ट, अब इन दोनों में फर्क क्या हो रहा है, ऊपर वाले मेथड में इसमें कुछ छोटे छोटे फर्क है। पहला, यहाँ पे हम ड्रॉइंग्स पूरे साल की लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम एनुअल ड्रॉइंग्स लेते हैं। कंफ्यूज मत होना, अगर आप ये मेथड लगाओगे तो आपको एनुअल ड्रॉइंग्स लेनी है, वही अगर आप ये मेथड लगाओगे तो आपको पर मंथ की ड्रॉइंग्स लेनी है, या एक ड्रॉइंग कितना है वो लिखना रहेगा आपको। वहां पे टोटल ईयर की ड्रॉइंग लिखते हैं, यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट, पहला विड्रॉल कितना क्या वो लिखा जाता है, बट उतना ही फर्क रहेगा, मेजर डिफरेंस जो ये है। बाकी जो मंथ का कैलकुलेशन आप लोग कर रहे हैं, बिगनिंग हो या एंड हो या मिडल हो, वो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। याद रहेगा, इसके कुछ सम्स करो, 100% समझ में आएगा। दोनों मेथड अपनी जगह करेक्ट है। ये मेथड जो है वो थोड़ा लॉजिकली दिख रहा है, वो मेथड थोड़ा लॉजिकली नहीं दिख रहा है, वो मेथड थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो करो, दोनों मेथड परफेक्टली करेक्ट है, आपको बोर्ड्स में परफेक्ट मार्क्स मिलने वाले हैं इन मेथड के लिए, याद रहेगा। सो दिस वॉज माई नेक्स्ट टॉपिक। ये मैंने अभी आपको टॉपिक सिखाया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पास एडजस्टमेंट्स, गारंटी ऑफ पार्टनर्स, मैनेजर एज ए पार्टनर एंड मेनी अदर टॉपिक्स। सो प्लीज, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी मेरा वीडियो चालू करो एंड तक खत्म करो उसे, क्योंकि हमेशा वीडियो के एंड तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर
होता है। ठीक ठाक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय।